नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत ने फिर उठाया बलूचिस्तान का मुद्दा। कश्मीर में अशांति के पीछे पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मानवाधिकार के बहाने पाकिस्तान आतंकवाद को देता है बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने की मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुए 3 अहम समझौते। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए 10 अरब रुपए देगा भारत। वेनेजुएला पहुंचे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जलवायु परिवर्तन और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे अहम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। बलूच नेताओं पर पीछे हटी भारत सरकार। बलूच नेता ब्रह्मदाग बुक्ति को शरण देने की खबरों को भारत सरकार ने किया खारिज। पाकिस्तान ने बुक्ति के खिलाफ जारी किया है रेड कॉर्नर नोटिस। आतंकवाद पर फिर दिखा पाक का दोहरा चेहरा। आतंकवाद के खिलाफ निर्गुट देशों का कार्यबल बनाने के प्रस्ताव का किया विरोध। 20 देशों ने भारत के प्रस्ताव का किया था समर्थन। चीन के फुजियांग प्रांत में मेरांती तूफान का कहर जारी। 14 लोगों की मौत, 51 से ज्यादा घायल। 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को पहुंचा नुकसान। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।